गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत आपका विजडम नर्सिंग कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पे नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जितनी भी यहां पर लाइव क्लासेज होगी उसका नोटिफिकेशन आपको नोटिफाई हो सके। चलिए गुड इवनिंग टू ऑल, बिल्कुल राधे राधे कृष्णा जय महाकाल। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। और आज की जो सवाल, देखो नया स्लोगन क्या है, गजब के सवाल, ठीक है। क्रेश कोर्स आज सेकंड डे है, 15 डे हमने बोला था कि आपका फ्री क्रेश कोर्स चलाया जाएगा ऑन द यूट्यूब चैनल विजडम नर्सिंग कोचिंग का। जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपके लिए 15 डेज का फ्री क्रेश कोर्स चलाया गया है, जिसके अंदर आज सेकंड क्लास है और गजब के सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सभी तक क्लासेज को पहुंच जानी चाहिए ताकि सभी इसका एंजॉयमेंट ले सके। देन आप सभी को पता है ये जो क्लास रहेगी ओनली और ओनली लाइव रहेगी। जो भी कैंडिडेट है वो लाइव यदि कंटिन्यूअसली देखता रहेगा उसका सिलेक्शन नियर बाय आते रहेगा। फिर से बोल रहा हूं, यदि ये अभी अटेंड नहीं कर रहे हैं तो फुल कोर्स के अंदर ये आपके क्लास ऐड हो जाएगी, आपके सीएचओ के बैच के अंदर ये क्लास ऐड हो जाएगी, लेकिन यूट्यूब से ये क्लास प्राइवेट हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल मस्त है सर, बिल्कुल मस्त रहना चाहिए। देन हम बात करते हैं कि रोशन सर का स्पेशल लाइव क्लास है, बर्थडे है, कितनी तारीख का, 7 अप्रैल का, ठीक है। और जो रात को 8:30 बजे क्लास होगी उसके अंदर विजडम फिर से एक धमाका करने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो भी सीएचओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नर्सिंग के इतिहास का सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा। फिर से बोल रहा हूं, 8 तारीख को रात को 8:30 बजे रेडी रहना है। यदि उसी टाइम नहीं रहे तो हमें मत बोलना कि सर हम उस टाइम नहीं देख पाए उसके बारे में, कि सर ये सबसे बड़ा नर्सिंग के इतिहास का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या था। तो बस आपकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि विजडम को जिस तरीके से अभी प्यार कर रहे हैं कंटिन्यूसली इसी तरीके से प्यार करते रहना है। और तूफान वाली लाइव क्लास होगी वो जरूर अटेंड कर लेना 7 अप्रैल 8:30 बजे। देन इसी शानदार थॉट के साथ शुरुआत करते हैं, जब तक जीना तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस। यदि मान लीजिए कोई बोलता है कि सर मेरा एक एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी 3 के अंदर, मेरी 4 के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन सिलेक्शन तो नहीं हुआ लेकिन आपने वहां से कुछ एक्सपीरियंस लिया है, आने वाली जितनी भी अपकमिंग एग्जाम्स होगी वो आपके लिए बेटर होगी। इसलिए क्या है यहां पर, जब तक जीना होगा तब तक आपको सीखना ही होगा और एक्सपीरियंस आप तो लेना है और वही आपका सबसे बड़ा टीचर है और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक माना गया है। इसी शानदार थॉट के साथ हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। और हम यहां पर क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं, गुड इवनिंग टू ऑल। बिल्कुल यहां पर 400 से भी प्लस हो चुके हैं, 462 प्लस हो चुके हैं स्टूडेंट। और यहां पर लाइक करने में कंजूसी करते हैं, शेयर करने के अंदर कंजूसी करते हैं, तो आपकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है फटाफट से क्लास को शेयर कर दो, अभी भी आपके पास टाइम है और क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आ जाइए बॉस, कल की क्लास कहां गई आपकी? मोहम्मद आसिफ जी बोल रहे हैं। मोहम्मद आसिफ जी, ये जो क्लास होती है ओनली ओनली लाइव रहती है, उसके बाद में आपको जो आपने बैच ज्वाइन किया है फुल कोर्स वाला उसके अंदर और सीएचओ कोर्स के अंदर ऐड हो चुकी है। चलिए, स्क्रीनिंग टेस्ट यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि सर हमने स्क्रीनिंग टेस्ट किया है यूज करने के लिए अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर, कि कैंसर का हमें पता करना है, जल्दी से स्क्रीनिंग कर ले, लेकिन एक को छोड़कर, उस एक को छोड़कर सभी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। आपके सामने ऑप्शन है मेमोग्राफी का, पैप टेस्ट का, बीएसई एंड टीएसई का, मतलब बीएसई का मतलब होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। लेकिन टीएसई की बात करूं तो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। और लास्ट के अंदर है एक्सरे। और सभी ने यहां पर मिक्सअप क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई बोल रहा है कि सर पैप टेस्ट होता है और कोई डी ऑप्शन दे रहा है कि सर एक्सरे होता है। पहली बात तो जो यहां पर डी दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, एक्सरे इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि एक्सरे जो होता है कभी भी स्क्रीनिंग नहीं करता है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। क्या होता है? कंफर्मेटरी टेस्ट के अंदर सर हमारी जब भी हड्डी टूटती है, अरे जब भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो आपने वहां पर क्या करवाया है,
एक्सरे करवा लिया कि सर हड्डी टूटी कहां से है उसका पता कर लिया, तो मतलब कंफर्मेशन कर लिया कि सर फीमर टूटी है, टीबिया टूटी है या फिबुला रेडियस अलना कौन सी टूटी है, तो यहां पर वो कंफर्मेशन टेस्ट होता है एक्सरे। लेकिन मेमोग्राफी की यदि मैं बात करूं तो मेमोग्राफी का मतलब ही क्या है कि आपने क्या किया है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया है फीमेल के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर पैप स्मियर टेस्ट का नाम सुना होगा, सर्वाइकल कैंसर का यदि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट करना है तो वो यहां पर करेंगे। देन बीएसई एंड टीएसई दोनों क्या होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, ये अर्ली डिटेक्शन करते हैं। अभी आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, क्वेश्चंस मतलब वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर, उसके अंदर लंप एल्सवेयर हो गया, लंप बन गया तो मतलब वहां पर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो सकता है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट वहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर। यदि किसी के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो गया है उस कंडीशन के अंदर हम बात करते हैं, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए हैं डियर सर जी, चलो कौन से सब्जेक्ट से लिए हैं अभी बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट से लिए हैं। चलिए फास्ट कमेंट कीजिए, बिल्कुल अर्ली डिटेक्शन करना, अर्ली डायग्नोसिस करना, देन ट्रीटमेंट करना, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, मैंने लेवल ऑफ प्रिवेंशन करवा दिया टॉपिक वाइज के अंदर, ठीक है, वहां पर भी हमने बात की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फास्ट कमेंट कीजिएगा कि यदि ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो जाता तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है कि सर टैमोक्सिफेन सिट्रेट होती है, राइट आंसर इज द सी। देखिए ब्रेस्ट कैंसर की यदि मैं बात करूं तो सर होता क्यों है ब्रेस्ट कैंसर, आप सभी को पता है एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो ब्रेस्ट का क्या करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है कि सर प्यूबर्टी तक वो काम कर रहा था, अच्छी तरीके से वहां पर यूटिलाइजेशन हो रहा था, लेकिन सर जैसे जैसे एज बढ़ती गई वैसे वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, यहां पर बढ़ता तो है लेकिन वहां पर क्या हो गया है, उस एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो एनलार्जमेंट कर देता है ब्रेस्ट सेल के टिश्यू का। यदि ब्रेस्ट सेल बढ़ता गया तो आगे चलकर वो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन कर देता है सेल का, जिसे हम क्या बोलते हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा। एक होता है कार्सिनोमा और एक होता है सार्कोमा। यदि कार्सिनोमा की बात करूं, एपिथेलियल सेल के अंदर यदि ब्रेस्ट या सॉरी एपिथेलियल सेल के अंदर यदि ट्यूमर या कैंसर बनता है तो कार्सिनोमा बोला जाता है, लेकिन यदि मैं सार्कोमा की बात करूं तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यदि कैंसर बनता है तो उसे क्या बोला जाता है, सार्कोमा बोला जाता है। क्लियर है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ में आ गया? तो यहां पर टैमोक्सिफेन सिट्रेट जो होती है वो एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट होती है, स्टार करके लिख लेना, एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट होती है। और ये एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन के एंटागोनिस्ट होती है टैमोक्सिफेन सिट्रेट जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर दी जाती है। क्लियर है? तो यहां पर याद रखना है बिल्कुल सार्कोमा मतलब कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स के अंदर हो गया, लेकिन एपिथेलियल के अंदर होता है तो उसे क्या बोला जाता है, कार्सिनोमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर वार्निंग साइन ऑफ कैंसर एक्सेप्ट। बिल्कुल गुड इवनिंग टू ऑल, लाइक इट एवरीवन, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए बताइए, राइट आंसर दीजिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए बी सी या डी, थर्ड का राइट आंसर देना है। सिंपल क्वेश्चन है कि सर यहां पर सभी मेजर वार्निंग साइन होते हैं एक को छोड़कर एक्सेप्ट, चेंज इन बोवल एंड ब्लेडर हैबिट, एश्योर दैट हील द कंप्लीटली, देन ऑप्शन है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, देन लंप इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर। और यहां पर जो ऑप्शंस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं वो बी दिखाई दे रहा है, कोई ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी भी बोल रहा है। चलिए बिल्कुल देखिए, वैसे तो बात करूं तो सेवन वार्निंग साइन होते हैं, कितने कैंसर के अंदर सेवन वार्निंग साइन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली के अंदर दो और आ चुका है सेवन वार्निंग साइन, क्वेश्चंस यूपी। क्या क्वेश्चंस यूपी? चलिए क्वेश्चंस यूपी की बात करूं तो ये अर्ली क्या होते हैं, वार्निंग साइन होंगे किसी भी कैंसरस का पता करना है। सी ए यू टी आई ओ एन, मतलब सी का मतलब है चेंज इन द बोवल और ब्लेडर कंट्रोल, कि किसी भी पेशेंट के अंदर बोवल एंड ब्लेडर कैंसर हो चुका है तो उसका पैटर्न चेंज हो सकता है, तो मतलब चेंज हो गया है बोवल एंड ब्लेडर कंट्रोल। एक का मतलब है कि लीजन
डज नॉट हील, कोई भी यदि लीजन वहां पर बन गया है वो हील प्रॉपर नहीं होगा। बिल्कुल सर, यू का मतलब है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होता है। मान लीजिए सर्वाइकल कैंसर हो गया, वहां पर अनयूजुअल ब्लीडिंग होते जा रही है, डिस्चार्ज होते जा रहा है। टी का मतलब थिकनिक और लंप। मान लीजिए ब्रेस्ट के अंदर और टेस्टिस के अंदर कैंसर का फॉर्मेशन, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया, तो वहां पर लंप या गांठ बन जाती है जब भी हम पालपेट करते हैं। आई का मतलब इनडाइजेशन ऑफ डिफिकल्टी और स्वेलोविंग। मान लीजिए किसी को माउथ का कैंसर हो गया उस कंडीशन के अंदर, तो वहां पर इनडाइजेशन भी होता है, साथ के साथ उसे डिफिकल्टी होती है किसके अंदर, स्वेलोविंग के अंदर भी देखने को मिलती है। ओ का मतलब ऑब्वियस चेंज इन वाट और मोल। किसी के यदि मस्सा बन गया है तो वहां पर चेंजेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, अलग तरीके की स्कीन देखने को मिलती है। एन का मतलब नेगिंग कफ। नेगिंग का मतलब रिकरेंट बार बार यदि कफ आ रहा है, मतलब लंग्स कैंसर के अंदर नेगिंग कफ देखने को मिलता है, परसिस्टेंट हॉर्सनेस आ गई। मान लीजिए हॉर्सनेस का मतलब घोड़े की तरह आवाज कब आती है, जब लेरिंग्स के अंदर, वॉइस बॉक्स के अंदर क्या हो गया, कैंसर का डेवलपमेंट हो गया, उस कंडीशन के अंदर नेगिंग कफ। और यूपी का मतलब है कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है उस पेशेंट का। देन पी का मतलब है परनीशियस एनीमिया। तो ये सभी क्या है, सेवन वार्निंग साइन होते हैं क्वेश्चंस। और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, एक्सेप्ट के बारे में पूछा था। बिल्कुल चेंज एंड ब्लेडर हैबिट देखने को मिलता है। एश्योर दैट हील्स कंप्लीटली, नॉट, ये कंप्लीटली हील नहीं होता है। और राइट आंसर यहां पर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। गलत पूछा था शोर थ्रोट। जब भी मान लीजिए कुछ भी यहां पर मस्सा बन गया है, कोई भी लीजन्स बन गया है, वो कंप्लीटली कभी भी हील नहीं होता है, तो यहां पर गलत पूछा था, तो वहां पर गलत क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि ए साइट ऑफ ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ ए लॉन्ग बोन इज। कि मान लीजिए ये क्या है, यहां पर कौन बोल रहा है कि सर, रेशमा जी बोल रहे हैं कि सर ये एमएसएन के ज्यादा क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हो। जब यूपी सीएचओ की एग्जाम दी है तो देख लेना वहां पर भी क्या आई हुई है, एमएसएन आई हुई है, तो एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। यदि आपको प्रिडिक्शन करना है कि सर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आएगी, तो प्रीवियस के अंदर हमने एमपी सीएचओ के बहुत सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो आप पीछे की क्लास भी देख सकते हैं। हम आपको फोर्सफुली नहीं बोल रहे हैं कि आप यहां पर क्लास अटेंड कीजिए, आपकी इच्छा हो तो आप क्लास लीजिए, और यदि आपकी इच्छा नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञान हमेशा व्यर्थ नहीं जाता है, आपका टारगेट ही एमपी सीएचओ का ही है, तो आप सीएचओ को ही फाइट करोगे। आप बड़ी एग्जाम को कभी भी क्रैक नहीं कर सकते। यदि आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी किसी चीज को क्रैक करने की, तो हमेशा अपने सपनों को बड़ा करके चलो। छोटे के ऊपर यदि आंच रखोगे तो छोटे से छोटा ही मिलेगा। जहां राजस्थान के अंदर सीएचए एक वैकेंसी आई थी जिसके अंदर 7000 के अंदर नौकरी की थी और उनको कल परसों निकाल दिया, वैसे ही यदि आप टारगेट बना के चल रहे हो तो वो आपकी इच्छा है। सपने हमेशा बड़े देखो, उनको पूरा करने की कोशिश करो, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। देखिए यहां पर हम बात करते हैं, ये क्या है, लॉन्ग बोन है। ये क्या है, लॉन्ग बोन है। यहां पर जो ऊपर वाला एरिया होता है वो एपिफाइसिस, और बीच वाला क्या होता है, डायाफाइसिस। क्या होता है, साफ्ट वाला एरिया क्या होता है, डायाफाइसिस के नाम से जानते हैं। और यहां पर कि हमें इस बोन की लेंथ बढ़ानी है, मतलब लेंथ यदि बढ़ानी होगी तो वहां पर एक प्लेट पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एपिफाइजियल लाइन। क्या बोला जाता है, एपिफाइजियल लाइन के नाम से जानते हैं या प्लेट के नाम से जानते हैं। कि धीरे धीरे जब ये ग्रोथ करती है तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, इसी बोन की लेंथ बढ़ सकती है। क्या बढ़ सकती है, लेंथ बढ़ सकती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एपिफाइजियल प्लेट इज द राइट आंसर। पेरिओस्टियम का मतलब है इसको कवर करने वाला बाहर से, ठीक है, कि इसको बाहर से यदि कोई कवर कर रहा है तो एक यहां पर कवरिंग पाई जाती है, पेरिओस्टियम बोला जाता है, और इसी के अंदर रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो भरा रहता है। क्लियर है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। मुझे तो ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है, मैं मेरे हिसाब से पढ़ाता हूं, आपकी इच्छा हो तो पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि मेरे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है सर, मेडिकल कॉलेज के एग्जाम में एमएसएन आती है।
मैं किसी एक स्टूडेंट को टारगेट नहीं करता हूं, मेरे और भी स्टूडेंट है, ताकि जितनी भी आने वाली अपकमिंग एग्जाम है उनको फायदा मिले, ठीक है। मेरी यदि एक डेढ़ दो घंटे की मेहनत से किसी का सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है, मैं कोई बात नहीं है, मेरे दो घंटे मेरे यूटिलाइजेशन हो रहा है, मेरा भी रिविजन ही हो रहा है एक तरीके का, ठीक है। कि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती, वो आपकी मेंटेलिटी है कि मैं टॉपिक वाइज पढ़ू। अरे टॉपिक वाइज क्या करोगे आपको, वो जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। डीमीआर के लिए करा दो सर सीएचओ पेपर, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फास्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ले आ गया है भैया, लो संभालो, एनाटॉमी का क्वेश्चन है और राइट आंसर दे दो। चलिए बताइए, आज बोल रहे हैं कि बी कि रेडियस जो होती है लॉन्गर देन अल्ना होती है, और बताइए और बताइए, और ए ऑप्शन आ रहा है कि अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस होता है। अब देखो निकल गई ना हवा, ये एनाटॉमी का क्वेश्चन ही है, अब बता दो इसी के अंदर तुम्हारी हवा निकल गई तो आने वाले के अंदर क्या होगा। और इस फिफ्थ का राइट आंसर यदि मैं बता दूं तो फिफ्थ का राइट आंसर किसी ने भी नहीं दिया है, और राइट आंसर आंसर किसी ने का भी नहीं आया है, और यहां पर पुकराज ने सबसे पहले राइट आंसर दिया है, राइट आंसर इज द ए, अल्ना इज लॉन्गर देन द रेडियस। हमारे हाथ के अंदर दो बोन पाई जाती है, रेडियस एंड अल्ना, क्या दो बोन पाई जाती है, रेडियस पाई जाती है और अल्ना पाई जाती है, और अल्ना वाली लॉन्गर देन होती है रेडियस। चलिए बात करते हैं कि सर यदि अंगूठे की तरफ वाली जो बोन होती है वो रेडियस होती है और जो मीडियल की तरफ होती है वो होती है अल्ना। अब देखिए कि ये वाली जो अंगूठे की तरफ है ये तो कौन सी बोन है, रेडियस है, और इधर आ जाओ ये वाली अल्ना है, और रेडियस और अल्ना के अंदर यदि लेंथ की मैं बात करूंगा तो सबसे लॉन्ग वाली कौन सी है, सर अल्ना बोन होती है, लेकिन यदि मैं बात करूं रेडियस बोन क्या होती है, छोटी होगी अल्ना से। तो ये एनाटॉमी का क्वेश्चन था आपको हैंड्स प्रूव करवाने के लिए। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ए, जो डी दे रहे थे रेडियस इज द बोन ऑफ द अपर आर्म, तो ये तो सभी को पता है अपर आर्म की ही बोन होती है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा था ट्रू के बारे में, और यहां ट्रू सबसे अच्छा कौन सा हो रहा था, लॉन्गर के बारे में, कि लॉन्गर के अंदर कौन सी है, तो अल्ना जो होती है लॉन्गर देन द रेडियस। पहले बात तो रेडियस जो होती है बिल्कुल अपर आर्म की ही होती है, हमने मना नहीं किया, लेकिन यहां पर दोनों को डिफ्रेंशिएट करके पूछा गया था रेडियस एंड अल्ना के बारे में, और यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है अवधेश जी, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। सर सीसीएच वालों के लिए भी यूजफुल रहेगी ये क्लास, नहीं नहीं है यूजफुल नहीं है, आपकी इच्छा हो तो लो नहीं तो रेस्ट करो, क्या बात कर। चलिए, विच कार्पल बोन मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर, देखिए कार्पल बोन की यदि मैं बात करता हूं तो आप सभी को पता है कि यहां पर क्या पाई जाती है, रिस्ट के अंदर कार्पल्स बोन्स पाई जाती है, कि यहां पर मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर कौन सी होती है, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ल्यूनेट, पीसी फॉर्म, स्केफोइड या हेमेट। चलिए बताइए कौन सी होती है, राजस्थान सीएचओ की वैकेंसी इस मंथ के अंदर चार पांच दिन के अंदर आ जाएगी, चलिए बताइए, चलिए बताइए, राइट आंसर दीजिएगा क्या होगा, या आरएएस की तैयारी करवाना उसके लिए है, आपके लिए थोड़ी है, आप नर्सिंग फील्ड से थोड़ी आते हो। चलिए, कार्पल बोन मोस्ट कॉमनली कौन सी फ्रैक्चर होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है स्केफोइड। अरे मैंने आपको ट्रिक बताई थी सुंदरलाल, तुम टिंडे पकाओ टिंडे तुम्हारे कच्चे हैं, ठीक है, तो स्केफोइड बोन जो होती है देखिए कौन सी, ये वाली जो बोन होती है स्केफोइड होती है, देन ट्रेफेजियम ट्रेफेजोइड, ये रेडियस हो गई, ये अल्ना हो गई, देन कैपिटेड हेमेट पीसी फॉर्म, देन ट्राइक्यूसरम, देन ल्यूनेट, और ये स्केफोइड वाली जो होती है सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होती है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट कोज ऑफ ब्रेन डिसफंक्शन इन हिपेटिक एंसेफेलोपैथी इज, नया क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, समझिएगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट कोज क्या होता है यदि ब्रेन डिसफंक्शन हो चुका है, किसकी वजह से, हिपेटिक एंसेफेलोपैथी मतलब आपके लीवर फेल हो चुका है, उसके बाद में क्या हो गया है, आपके ब्रेन के अंदर एक्यूबुलेशन हो चुका है अमोनिया का,
तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या इंपॉर्टेंट ब्रेन डिसफंक्शन होगा, ठीक है, क्या डिसफंक्शन होगा, फास्ट बताइए। रोशन सर जो भी फालतू की बकवास कर रहे हैं तुरंत यहां से ब्लॉक कर दो उनको। चलिए बताइए, राइट आंसर दीजिएगा। सेवन का राइट आंसर क्या होगा, ए बी की सीरोसिस ऑफ लीवर विथ पोर्टल हाइपरटेंशन, हाई प्रोटीन डाइट, बैक्टीरियल इंफेक्शन एंड यूरेमिया, देन एक्सेसिवली डाइयूरेसिस, डिहाइड्रेशन एंड इंफेक्शन, सम मेडिकेशन, फीवर एंड सर्जरी। चलिए, ब्रेन का डिसफंक्शन हो गया है और यहां पर जो दे रहे हैं ए वो गलत है, जो यहां पर सेवन का राइट आंसर दे रहे हैं ए वो गलत है और राइट आंसर यहां पर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, बी। देखिए कि यहां पर क्या होता है, जब भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो आप सभी को पता है अमाइनो एसिड एंड प्रोडक्ट होता है, यूरेमिक या यूरिया का फॉर्मेशन करता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे हमारा लीवर वहां पर कम कर दिया काम करने का फंक्शन, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर हिपेटिक एंसिफेलोपैथी और वहां पर लीवर सिरोसिस का यदि पेशेंट है, उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, यदि हाई प्रोटीन डाइट लिया है उसके अंदर बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है, साथ की साथ यूरेमिया, यूरेमिया क्यों हुआ, यूरिया का लेवल क्यों बढ़ा, क्योंकि सर इस पेशेंट ने हाई प्रोटीन डाइट ली है और ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब ब्रेन के अंदर वहां पर यूरिया का लेवल बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन के अंदर हाई प्रोटीन डाइट, बैक्टीरियल इंफेक्शन एंड यूरेमिया मोस्ट इंपोर्टेंट कोज करता है हेपेटिक एंसिफेलोपैथी का, नॉट सिरोसिस ऑफ लीवर विद पोर्टल हाइपरटेंशन। होता है लीवर सिरोसिस से पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, लेकिन यहां क्वेश्चन जो था हेपेटिक एंसिफेलोपैथी यूरिया अमोनिया का लेवल कब बढ़ा, जब आप हाई प्रोटीन डाइट लिए उस कंडीशन के अंदर और एंड प्रोडक्ट के तौर पर वहां पर यूरिया बना और ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज, नया क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर यदि क्या हो रहा है, वॉमिट जब भी कर रहा है वहां पर ब्लड आता है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एपिस्टैक्सिस बोले तो नोज ब्लीडिंग, क्या बोला जाता है, नोज ब्लीडिंग। हेमोप्टाइसिस का मतलब है स्पूटम के अंदर क्या आना, ब्लड आना, ठीक है। हेमेटेमेसिस या हीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स है यदि ब्लड एक्यूमुलेशन हो गया थोरेक्स वाले एरिया के अंदर, कहां पर एक्यूमुलेशन हो गया है, थोरेक्स के अंदर। और हेमेटेमेसिस का राइट आंसर क्या होगा, यदि वॉमिटिंग के अंदर क्या आ रहा है, ब्लड यदि आता है तो उस कंडीशन को हेमेटेमेसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डार्क एंड टेरी कलर स्टूल यदि देखने को मिलता है, देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछा है डार्क एंड टेरी कलर, काला कलर और डार्क कलर का यदि स्टूल देखने को मिलता है तो क्या बोला जाता, एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, मिलेना बोलते हैं, हिमोप्टाइसिस बोलते हैं या हेमेटेमेसिस बोला जाता है। चलिए फास्ट कमेंट कीजिएगा, यहां पर क्लास को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक करा नहीं है आपने, अभी तक लाइक नहीं किया है, क्यों भैया क्या बात हो गई, नाराज हो गया मेरे से। चलिए बताइए राइट आंसर दीजिएगा क्या होगा, हाँ जी बोलिए राइट आंसर ए बी सी या डी। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर करेक्ट आंसर दिया है, क्या बोलते हैं उसे, ए बी बी, अरे क्या बोलते हैं, मिलेना बोलते हैं या क्या बोला था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एक आता है हिमेटोकेजिया, क्या आता है, हिमेटोकेजिया आता है और एक आता है मिलेना, राइट आंसर। तो यहां पर क्या होगा, देखिए डार्क यदि, देखो जब भी हेमरॉइड्स वाले पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग होती है तो वो हमेशा फ्रेश ब्लीडिंग होती है, लेकिन यदि मैं ऊपर चलूं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यदि लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर पार्ट के अंदर यदि ब्लीडिंग हुई है तो वहां पर डार्क ब्लीडिंग देखने को मिलती है, डार्क कलर की स्टूल देखने को मिलता है, लेकिन फ्रेश ब्लीडिंग पूछेगा तो उसे बोला जाता है हिमेटोकेजिया, और हेमरॉइड्स के अंदर फ्रेश ब्लीडिंग होती है और उसे हिमेटोकेजिया बोला जाता है। चलिए जी फास्ट कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एपेटाइट इज डिक्रीज बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि भूख आपको कम हो चुकी है एक को छोड़कर, कि सर हरी वरी एंड फियर की डर की स्थिति के अंदर हो चुका है, रेगुलरिटी इन ईटिंग,
इरेगुलर खाना खा रहा है, देन लॉन्ग स्पेसिफिक ऑफ मील टाइमिंग। चलिए बताइए, चलिए बताइए। हाँ जी, बोल रहे हैं कि सर बी होगा, कोई बोल रहे हैं कि सर सी होगा, और कोई डी वाले भी होंगे। हाँ बिल्कुल, डी वाले भी हैं। चलिए राइट आंसर क्या होगा, एक था गलत पूछा था, बी इज द राइट आंसर। अरे भैया रेगुलरली खाना खा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके भूख की कमी नहीं, आपका पेट क्या हो चुका है, दबा के ले रहा है राशन पानी, तो मतलब ये तो अच्छी बात है, रेगुलरिटी इन ईटिंग एपेटाइट को डिक्रीज नहीं कर रहा है। अरे जब आपको भूख लग रही है तभी तो आप रेगुलरली खा रहे हो, तो गलत पूछा था, दी इज द राइट आंसर। हरी वरी एंड फियर, किसर फियर की स्थिति में बिल्कुल खाना नहीं बाता है, इरेगुलर खाना खा रहे हो, सुबह खा लिया शाम को पता ही नहीं, तो मतलब उस कंडीशन के अंदर एपेटाइट डिक्रीज हो जाता है। और यदि खाना खाने में मील स्पेसिफिक टाइम आपने बढ़ा दिया, एक रोटी अभी खाई ठीक है, आधे एक घंटे बाद में, आधी रोटी बाद में खाई, तो उसके स्पेस में यदि करा तो एपेटाइट वहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अमाउंट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस इन वन डे, कि कितनी यहां पर सलाइवा प्रोड्यूस की जाती है एक दिन के अंदर, आपके सामने है 0.5 लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, कितने लीटर, लीटर लीटर। चलिए बताइए राइट आंसर दीजिएगा। और यहां पर बोल रहे हैं कि सर 1 लीटर, बी ऑप्शन आ रहा है कि सर 1 लीटर देते हैं, और बताइए। चलिए यहां पर सी ऑप्शन आ रहा है कि सर 1.5 लीटर देते हैं, और बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर, करेक्ट आंसर इन दोनों के अंदर, एक या 1.5 लीटर के अंदर सर कंफ्यूजन हो रहा है, इसी कंफ्यूजन को दूर कर देता है सी इज द राइट आंसर, 1.5 लीटर इज द राइट आंसर। कितना कि सर 1.5 लीटर क्या होता है, अमाउंट ऑफ सलाइवा सीक्रेशन होता है, राइट आंसर क्या होगा, 1.5 लीटर इज द राइट आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनफुल स्वेलोविंग इज नॉन एज, क्या बोला जाता है, यदि पेनफुल स्वेलोविंग हो रही है, जब भी खाना खाता है उस कंडीशन के अंदर डिफिकल्टी हो रही है स्वेलोविंग के अंदर, क्या बोला जाता है, ए बी सी या डी। एटेक्सिया, एटेक्सिया का मतलब होता है कि लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया, अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाना। डिसफेजिया, डिसपेप्सिया मतलब एससीएल का सही से सीक्रेशन नहीं हुआ। देन ओडिनोफेजिया, अरे कौन सा, ओडी वाला, और बी ऑप्शन आ रहा है कि सर डिसफेजिया। डिफिकल्टी इन डाइजेशन यदि पूछे तो वो होता है डिसफेजिया। क्या होता है, यदि डिफिकल्टी पूछे किसके अंदर, डाइजेशन के अंदर, तब तो क्या बोलते हैं, डिसफेजिया। लेकिन पेनफुल स्वेलोविंग, जब भी खाना खाता है दर्द होता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है ओडिनोफेजिया। 12 का राइट आंसर यहां पर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, क्या बोला जाता है, ओडिनोफेजिया। डिसफेजिया किसको बोलेंगे, कि यदि हम वहां पर क्या कर रहे हैं, डिफिकल्टी इन डाइजेशन, कि डाइजेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन फॉर द, नॉट इन्वेस्टिगेशन फॉर द डिसफेजिया। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको यहां पर क्या कर रहे हैं, डिसफेजिया का क्या करना है, पता करना है ठीक है। उसके अंदर एक नहीं है, बेरियम स्वेलो, एंडोस्कोपी, मैनोमीट्री या कोलोनोस्कोपी, कौन सा नहीं है, फास्ट कमेंट कीजिएगा। हाँ जी राइट आंसर दीजिए, सिंपल क्वेश्चन ही गलत कर रहे हो तो आप बताओ ठीक है, सिंपल क्वेश्चन को गलत कर रहे हो, ये तो गलत बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। तो बिल्कुल, यदि हम बात करते हैं डिसफेजिया मतलब डिफिकल्टी हो रही है डाइजेशन के अंदर, तो आपको यदि पता करना होता है तो कौन सा नहीं है यहां पर, और बिल्कुल यहां पर मिक्सअप क्वेश्चन आ रहे हैं, सी और डी। सी वाला तो नाम सुना ही नहीं था, और जो ये एंडोस्कोपी दे रहे हैं, पहले बात तो एंडोस्कोपी करते हैं, पेप्टिक अल्सर का पता करना है तो एंडोस्कोपी की जाती है, विजुअलाइजेशन करना एलिमेंट्री केनाल का तो एंडोस्कोपी की जाती है। बी वाले तो चरण स्पर्श है मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या है, कौन सा नहीं होता है, राइट आंसर क्या होगा, डी। अरे कोलोनोस्कोपी किसकी की जाती है, कोलोन की। यदि आपको विजुअलाइजेशन करना है किसका, कोलोन वाले पार्ट का, कि सर कोलोन कैंसर का यदि पता करना हो तो कोलोनोस्कोपी करते हैं। लेकिन यहां पर पूछा था कि डिसफेजिया मतलब डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम होती है, कोलोन वाले पार्ट के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, उधर से तो मालगाड़ी माल को निकालने का काम करती है,
तो यहां पर कॉलोनोस्कोपी डिस्फेजिया के अंदर काउंट नहीं करते हैं। मैनोमीट्री जो होती है इसोफेगस के लिए, इसोफेगस की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चेक करने के लिए की जाती है मैनोमीट्री। एंडोस्कोपी विजुअलाइजेशन करना एलिमेंट्री कैनाल का, और बेरियम स्वेलो मतलब कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन यदि पता करना है अपर जीएलटी के अंदर तो बेरियम स्वेलो किया जाता है। हाँ, मैनोमीट्री बता दिया ना डियर कि क्या होता है कि यदि इसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यदि चेक करना हो तो मैनोमीट्री वहां पर की जाती है। तो राइट आंसर यहां पर क्या है, राइट आंसर इज द डी। क्या होगा, राइट आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन क्रस्ट फॉर्म्ड हो चुकी हैं आपके होठों के ऊपर और टीथ के ऊपर, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है। तिलोत्तमा सिंह बोल रही है मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, हमें तो शो हो रहे हैं। लग गई बछेड़, विनीता बोल रही कि सर लग गई बछेड़, कहां गई वो, क्या नाम था, बुरा तो नहीं मान गई, क्या नाम था, मैं तो नाम भूल गया उस लड़की का, कि सर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप तो फास्ट कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्या कैलकुलस बोले तो कि सर बाठे जमा होने लग गए हैं, यदि स्टोन बोन, स्टोन को क्या बोला जाता है, कैलकुलस बोला जाता है, स्टोन को क्या बोला जाता है, कैलकुलस। हेलिटोसिस का मतलब बैड बैड ब्रीथ, ठीक है, बैड ब्रीथ मतलब गंदी बदबू आती है। हेलिटोसिस जब आप रीनल फेल्योर के अंदर पढ़ोगे सीआरएफ के अंदर, तब वहां पर अमोनिया का क्या लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह हेलिटोसिस। चिलोसिस का मतलब है कि सर कट लग गया, कट लग गया, जो ओरल कैविटी थी जो वहां पर क्रैप बन गई, तो चिलोसिस बोला जाता है। देन राइट आंसर क्या बोला होगा, डी इज द राइट आंसर, शॉर्ट्स बोला जाता है। राइट आंसर क्या होगा, शॉर्ट्स बोला जाता है। क्लियर है, हा जी बोलिए, समझ में आ गया। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, डी। अरे क्या होगा, सी कहां से होगा, चिलोसिस नहीं होता है, चिलोसिस तो होगा ही नहीं, ठीक है। चिलोसिस के अंदर जो लिप्स वाले पोर्शन होता है वो क्रैक हो जाते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है चिलोसिस, शॉर्ट्स बोला जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू इरप्ट इन चिल्ड्रन, कि फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ कब यानी कि इरप्ट होना चिल्ड्रन के अंदर कौन सा होता है, कौन सा होता है, कि सर मोलर, इंसीजर, कैनाइन या कस्पिड। आईसीपीएम का नाम सुना होगा, आईसीपीएम और एम, इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलार होता है, और एम का मतलब क्या है, मोलार होता है। और यहां पर सबसे पहले कौन सा पेयर आता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, लोअर सेंट्रल इंसीजर इज द राइट आंसर। कौन सा, कि नीचे वाला और सेंट्रल इंसीजर वाला जो पार्ट होता है वो सबसे पहले आता है, इरप्ट होता है। और राइट आंसर यहां पर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, लोअर सेंट्रल इंसीजर सबसे पहले आता है। चलिए राइट आंसर यहां पर क्या होगा, 21-23। अरे फॉर्मूला याद है ना, 21-23/21-23 की, परमानेंट टीथ की बात करूं तो 21-23 क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, बोरेवस सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, फास्ट कमेंट कीजिएगा, बोरेवस सिंड्रोम का मतलब क्या है। क्लास को लाइक कर दीजिए, यहां पर 900 स्टूडेंट लाइव है लेकिन लाइक अभी भी 600 पे अटके हैं। चलिए गुरुजी को चरण स्पर्श, एनवीएस की स्टाफ नर्स की क्या ये आंसर की आ गई, हां बिल्कुल आ गई है, रॉन्ग हो गए, ओके। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में आता है राजस्थान का, तो चलिए क्या बोला जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है और सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, बी इज द राइट आंसर। रप्चर ऑफ द इसोफेगस को क्या बोला जाता है, बोरेवस सिंड्रोम बोला जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बोरेवस सिंड्रोम क्या बोला जाता है, रप्चर ऑफ द इसोफेगस। पेयर पेचेज जो होते हैं कहां पर पाए जाते हैं, फास्ट कमेंट कीजिएगा, पेयर पेचेज जो होते हैं कहां पर पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है ब्रूनर ग्लैंड के ऊपर, कि जो ब्रूनर ग्लैंड होती है वो कहां पर देखने को मिलती है। क्वेश्चन बनता है पेयर पेचेज जो होते हैं कहां पर देखने को मिलते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर दीजिएगा, ब्रूनर ग्लैंड कहां पर पाई जाती है आपके, कहां पर,
अरे ड्यूडेनम वाले एरिया के अंदर पाई जाती है और क्या करती है, एल्केलाइन मीडियम, क्या एल्केलाइन मीडियम बनाती है कहां पर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन यदि मैं पेयर पैचेज की बात करूंगा तो ये पेयर पैचेज जो होते हैं कहां पर, इलियम वाले पार्ट के अंदर होते हैं। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, कि पेयर पैचेज जो होते हैं ये बेसिकली जो हमारी बी सेल्स होती है उन्हीं की क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है, जो क्या प्रोवाइड करवाती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। ड्यूडेनम के अंदर मैक्सिमम आयरन का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूमुलेशन हो जाना एक्सेसिवली फ्लूड का इंटेस्टाइनल स्पेस के अंदर, क्या बोला जाता है, फास्ट कमेंट कीजिएगा, क्या बोला जाता है, इंफ्लामेशन, इफ्यूजन, ओडीमा, देन ऑप्शन है स्वेलोविंग, स्वेलिंग सॉरी। चलिए बताइए राइट आंसर दीजिएगा क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल, क्या बोला जाता है, देखिए इन्फ्लामेशन बोला जाता है, इफ्यूजन, ओडीमा या स्वेलिंग, स्वेलिंग बताइए। सुनीता बोली सर गलत हो रहा, अरे आज तो मैं एकदम इजी क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, इससे इजी तो क्या ही लाऊं। यदि एक्सेसिवली फ्लूड इंटेस्टाइनल स्पेस के अंदर क्या हो चुका है, इंटेस्टाइनल नहीं है, यहां पर लिखना इंटरस्टीशियल स्पेस, सॉरी इंटेस्टाइनल नहीं है, क्या है, इंटरस्टीशियल स्पेस, इंटरस्टीशियल स्पेस के अंदर यदि एक्यूमुलेशन हो गया है एक्सेसिवली फ्लूड तो उसे क्या बोला जाता है। बिल्कुल यहां पर सभी ने क्या दिया है, बहुत ही टफ है सारे, सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो, ओडीमा इज द राइट आंसर। देखो इन्फ्लामेशन की कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब भी आपको चोट लगती है, चोट लगने के बाद वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिंस, वैसोडाइलेटर्स प्रोस्टाग्लैंडिंस वहां पर सीक्रेशन करते हैं, उसे बोला जाता है इन्फ्लामेशन। इफ्यूजन का मतलब है कि कोई फ्लूड इकट्ठा हो चुका है कैविटी के अंदर, ठीक है, उसे बोला जाता है, जैसे आपने प्लूरल इफ्यूजन पढ़ा होगा। देन ओडीमा के अंदर फ्लूड क्या हो जाता है, इंटरस्टीशियल स्पेस के अंदर इकट्ठा हो जाता है, क्या हो जाता है, इकट्ठा देखने को मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, ओडीमा, क्या बोलते हैं, अरे कौन सी मां, ओडीमा के नाम से जानते हैं, क्लियर है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लिगामेंट ऑफ टेरीज कहां पर प्रेजेंट होते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी तक तो। सर हरियाणा सीएचओ में बीएएमएस सिलेबस भी आएगा, मेंशन कर रखा है, बीएएमएस का क्या होता है, यही होता होगा आई थिंक, बीएएमएस का भी यही होता है। अब मैं तो आपको एमएससी लेवल का दे रहा हूं सारा, अब इससे भी ऊपर तो क्या ही दूं, उसमें से भी कैसे क्वेश्चन, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस भेजना, सिलेबस पता नहीं है ना बीएएमएस का क्या है, बीएएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, बैचलर आयुर्वेदा होम्योपैथिक सिस्टम, क्या होता है बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएचएमएस का नाम तो सुना था। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, यहां पर बोल रहे हैं, यहां पर बी ऑप्शन आ रहा है, ड्यूडो जेजुनल जंक्शन के ऊपर, ये कहां पर देखने को मिलता है, जीएनएम की वैकेंसी कब तक आएगी, बिल्कुल आई हुई है जीएनएम के लिए, जीएनएम के लिए क्या अलग से आती है, सभी के लिए आती है। चलिए 19 का राइट आंसर यहां पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है बी इज द राइट आंसर, कि ड्यूडेनम और जेजुनम का जो जंक्शन होता है वहां पर लिगामेंट ऑफ टेरीज हमें देखने को मिलता है, कहां पर देखने को मिलता है, इधर आ जाइए, ड्यूडेनम और जेजुनम का जो जंक्शन होता है, ड्यूडेनम डीजेआई, अरे ड्यूडेनम और जेजुनम जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, और वहां पर जो क्या देखने को मिलता है, लिगामेंट देखने को मिलता है, उसे क्या बोला जाता है, ये क्या, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ टेरिज के नाम से जाना जाता है, ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ टेरिज, ठीक है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन ऑफ सर्जन, देखना पड़ेगा डिग्री एक बार, उसमें क्या है, उसका सिलेबस क्या है, आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही होता होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Which one of the following teeth are used crushing and grinding? देखो एक तो बटका भरने के अंदर काम में आते हैं, बटका क्या, सामने वाले दांतों से क्या किया जाता है, बटका ही भरा जाता है, किसी के दिए क्या बटके, अरे जानते हो क्या बटका, कि सर हम तो यहां फॉरेनर से आए हैं तो हमें पता नहीं है, बीएचएमएस बीएएमएस बड़ा होता है, ये तो तुम्हें पता है, ये नहीं पता कि यहां पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सिस्टम है, एनाटॉमी इंपोर्टेंट रहती है कि एमएसएन इंपोर्टेंट रहती है, ये तो तुम्हें पता नहीं है, ये जरूर तुम याद रखोगे।
चलिए। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि सामने से बाइट करने, अरे एप्पल को जब आप खाते हो तो सामने वाले दांत काम आते हैं, इंसीजर एंड कैनाइन काम में आते हैं, लेकिन सर हमें क्या करना है, ग्राइंडिंग करना है, पीसना है, चूर्ण बना देना है, तो उस चूर्ण बनाने के चक्कर में कौन आता है, मोलार और प्रीमोलार, ये तो दोनों तो वैसे ही कट गए। कि सर आपको क्या करना है, कटिंग करना है, सामने से बाइट करना है, कटिंग करना है, इंसीजन एंड कैनाइन वहां पर काम में ले लिया, लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछे कि आपको ग्राइंडिंग करना है, अच्छी तरीके से क्या करना है, पीसना है, तो उस कंडीशन के अंदर मोलार, मोलार कहां होते हैं सर, पीछे ही पीछे की तरफ होते हैं, जब खाना आप खाते हो तो सबसे पीछे की तरफ ले जाते हो उसको पीसने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए, और वो वाला कौन सा है, मोलार होता है, प्री मोलार नहीं होता है, मोलार होता है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। देन सबसे तूफान आने वाला है 7 अप्रैल को 8:30 बजे, न्यू रिकॉर्ड बनाना है, 2000+ लाइव बच्चे लेने हैं। देखिए विजडम ने आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है फुल ऑल सीएचओ कोड, जिसकी जो प्राइस है 2499 है, 1 ईयर की वैलिडिटी होगी। ये क्लास जो है लाइव है, उसके बाद में ये क्लास आपको डायरेक्ट आपके बैच के अंदर मिलेगी, तो लेट नहीं होना है। तो सीएचओ स्टूडेंट के लिए इतिहास के अंदर क्या होगा, एक बड़ा गिफ्ट होगा, तो देर ना करना 8:30 बजे रोशन सर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉमनेस्ट कॉमन सेल माइक्रोब प्रेजेंट इनटू द ओरल कैविटी। कि कॉमनेस्ट कॉमन सेलेज का मतलब होता है सहजीवी, क्या होता है, अरे सहजीवी, अरे मतलब क्या है, एक ही रूम के अंदर क्या कर रहे हो, आवास बिता रहे हो, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, सहजीवी बोला जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर दीजिएगा क्या होगा। चलिए आप ही पटेल जी बोल रहे हैं एमपीसीएचओ की प्रिपरेशन करा दीजिए, नहीं जी मैं तो एमपीसीएचओ की प्रिपरेशन जो है रोशन सर करवा रहे हैं, तो शाम को 8:30 बजे उनकी वाली क्लास जरूर अटेंड करना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 7 अप्रैल को धमाका होगा और 8 अप्रैल को है क्या है, अरे 8 अप्रैल को है रोशन सर का बर्थडे, मुझे भी भुला देते हो तुम। चलिए एमपीसीएचओ वाले जो है वो रात को 8:30 बजे रोशन सर की क्लास देख लिया करो। हाँ जी बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट कमेंट कीजिएगा। और यहां पर राइट आंसर कौन दे रहा है, सी। सी क्या देना है, बेसिलस एसिडोफिलस होता है, ओके जी। और डी ऑप्शन कोई नहीं दे रहा है कि मुन्ना सर जी गुड इवनिंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है सभी ने, और करेक्ट आंसर बेसिलस एसिडोफिलस इज द राइट आंसर। क्या होगा, बेसिलस एसिडोफिलस इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, क्योंकि हमारे ओरल कैविटी के अंदर, अरे ये इकोलाई कौन दे रहा था, इकोलाई नहीं होता है, अरे इकोलाई तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के अंदर काम में आएगा, वहां पे दबा के आपको यूटीआई करेगा, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की बात करूं कि ये पेप्टिक अल्सर का कॉजेटिव एजेंट है, किसका है, पेप्टिक अल्सर का। और जो डी ऑप्शन दे रहे थे उनको तो कहना ही क्या, अरे वो तो महान क्या है, हस्तियां हैं, उनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। हाँ मैं तो रीट की देहरी करवा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सीएचओ को परमानेंट किया जाएगा क्या, सर पहले बन जाओ फिर मैं परमानेंट करवाऊंगा सभी को, फालतू की बातों तुमसे सबसे करवा ले, पढ़ने में यहां पर आंसर करने में तो तुम्हारी नानी याद आ रही है सभी को, वो तो गलत कर रहे हो। बिल्कुल लाएंगे, यूरिया ब्रीथ टेस्ट किया जाता है बिल्कुल पेप्टिक अल्सर का पता करने के लिए। चलिए राइट आंसर दीजिए क्या होगा, बिल्कुल यदि आपको क्या करना है, कैप्नोग्राफी का मतलब होता है CO2 की कंसेंट्रेशन, यदि आपको पता करना है तो क्या किया जाता है, कैप्नोग्राफी की जाती है। क्या, द लंग्स फंक्शन टेस्ट, या जिसे हम बोलते हैं PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और वहां पर डिटरमाइंड किया जाता है, किसके लिए डिटरमाइंड किया जाता है, चलिए सर आज बहुत गुस्से में है, सभी का गलत उल्टा आंसर दे रहे हैं, तो तुम बात ही ऐसे करते हो, फालतू की तो बातें करते हो, ढंग की बात करो ना, क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पूछो मैं आंसर दूंगा। तुम्हें पढ़ने के टाइम तुम्हें ये सब बातें याद रहती है कि किसकी कितनी वो है, यहां सर परमानेंट होगी कि नहीं होगी, सर ये क्लास इंपोर्टेंट है कि नहीं है, यहां अलग से बैनर बनवा दूं एमपीसीएचओ के लिए है स्पेशल, हर एक यहां पर कल से एक लाइन लिखवाऊंगा डीएमईआर यूपीसीएचओ
एमपीसीएचओ, राजस्थान सीएचओ, जितनी भी जीएमसीएच, पीएमसीएच सभी एग्जाम के नाम लिखवा देता हूं, तब आपको कलेजे के ऊपर ठंड पहुंचेगी कि हाँ ये उसी की क्लास है। जब आपको पता है कि नर्सिंग सब्जेक्ट है, कहीं से भी पूछ सकता है। यूपीसीएचओ वालों को पूछना कैसे हवा टाइट हो गई थी, ठीक है, अभी एमपीसीएचओ की एग्जाम आएगी तब मुझे बताना कि कैसा पेपर आया था, और फिर मत बोलना कि हाँ सर हम पढ़ लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। फालतू की बातें तो आप लोगों से करवा लो, बाकी जो आपकी इच्छा है पढ़ो तो पढ़ो, नहीं मत पढ़ो। चलिए बताइए जी, बिल्कुल राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर, स्पाइरोमीटर। अरे वो एक मशीन देखी होगी, तीन बोल होती है जिसके अंदर हवा मारी जाती है, तो यदि क्या किया जाता है, लंग्स का फंक्शन टेस्ट करना है, डिटरमाइन करना है, तो क्या किया जाता है, स्पाइरोमेट्री की जाती है। स्पिग्नोमैनोमीटर की बात करूं तो क्या लगाया जाता है आपके वहां पर, ब्लड प्रेशर आपको चेक किया जाता है। और टोनोमीटर की यदि मैं बात करूं तो क्या किया जाता है, आपके इंट्राओकुलर प्रेशर का असेसमेंट किया जाता है। कौन सी कंडीशन रेस्पॉन्सिबल होती है इंस्पिरेशन के लिए, कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है, कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, डायलेशन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स, कॉन्ट्रेक्शन हो जाना इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम। कल से मैं मेरी अपनी टारगेट आई की सीरीज को वापस से स्टार्ट करूंगा, जो पहले से जिनों के मेरे पास फोन आ रहे, वेटिंग आ रही है, कम से कम उनकी तो सुने, आप तो वैसे भी सुनने वाले नहीं हो, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं बता रहा हूं कि इतना बिजी शेड्यूल है, फिर भी मैं आपको किस तरीके से टाइम दे रहा हूं वो मुझे ही पता है। रात को एक बज जाती है सोते सोते आपके पेपर को रेडी करने के लिए भी, उसका रेशनल तैयार करने के लिए, कि मैं सारा उनको एक ही क्वेश्चन के अंदर सोल्व करा दूं, ठीक है। सुबह 6 बजे उठकर वापस से मैं अपने वहां पर काम के अंदर निकल जाता हूं, और फिर भी आप लोगों को हंसी आए तो आए, ठीक है, ऐसा ही नहीं है पढ़ाना। चलिए बताइए, कोई डी ऑप्शन दे रहा है कि सर यहां पर क्या है, डी, ओके जी, डी आ रहा है कि सर बहुत कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द डायफ्राम, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। 24 का राइट आंसर यहां पर क्या होगा, डी। देखिए इंटरकोस्टल मसल्स की बात करता हूं, देखिए दो आपको डायग्राम में यहां पर दिखाता हूं, ठीक है, दो डायग्राम क्या है कि सर एक तो सांस को अंदर ले रहा है मतलब इंस्पिरेशन कर रहा है, और एक सांस को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, बोले तो एक्सपायरेशन करना। इंस्पिरेशन की यदि मैं बात करूं तो क्या हो रहा है कि सर जैसे ही सांस लेने के लिए अंदर जाएगा तो डायफ्राम क्या होता है सर, कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और यहां पर जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी क्या करेगी, ऊपर की तरफ कॉन्ट्रेक्शन करेगी। कि जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स दोनों क्या करती है, कॉन्ट्रेक्शन करती है, क्या करती है, कॉन्ट्रेक्शन करती है। लेकिन मैं एक्सपीरेशन की यदि मैं बात करूं तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो गई, रिलैक्स हो गई, और उसके साथ साथ डायफ्राम की क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। तो उस कंडीशन के अंदर क्वेश्चन में पूछा था इंस्पीरेशन के बारे में, और इंस्पीरेशन के अंदर आपको क्या होता है, बोथ कॉन्ट्रेक्शन भी आता है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन भी आता है किसके अंदर, इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर भी आता है, और यहां पर कॉन्ट्रेक्शन आता है डायफ्राम के अंदर भी आता है, इसलिए राइट आंसर यहां पर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा लोब होता है जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है बच्चों के अंदर पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस की कंडीशन, रेस्ट्रिक्शन हो जाना एल्वोलाई का, उसे बोला जाता है क्या, एटेलेक्टेसिस। और बच्चे के अंदर यदि पल्मोनरी एटेलेक्टिस की कंडीशन हो चुकी है तो उसके अंदर मोस्ट कॉमनली पार्ट कौन सा अफेक्टेड होता है, राइट अपर लोब, राइट लोअर लोब, लेफ्ट अपर लोब या लेफ्ट लोअर लोब। और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए राइट आंसर दीजिएगा, ए बी सी या डी। चलिए फास्ट कमेंट कीजिए, राइट आंसर दीजिएगा क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, और करेक्ट आंसर यहां पर क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल करेक्ट है, 70% तक राइट अपर लोब क्या होता है, अफेक्ट होता है पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस की कंडीशन में, नॉट लेफ्ट लोअर, राइट अपर लोब जो होता है सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है एलवोलाई के अंदर। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, और 70% तक क्या होता है, अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉनल अट्रेजिया।
कॉर्नल अट्रेजिया का मतलब क्या होता है, सिंपल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। अट्रेजिया का मतलब है कि मान लीजिए ये पहली पाइप थी, आराम से जा रहा था इस पाइप के अंदर पानी, अब क्या हो गया यहां पर ब्लॉकेज आ गया कि सर इधर से इधर नहीं आ सकते, इधर से इधर नहीं जा सकते, इसे बोला जाता है कि अट्रेजिया हो गया। और कॉर्नल अट्रेजिया का मतलब क्या होता है, आपके सामने ऑप्शन सारे दिए गए हैं कि कंजेनाइटली ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना किसके अंदर, ओरोफेरिंग्स के अंदर कंजेनाइटली ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, मिडल ईयर के अंदर कंजेनाइटली ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, यूरिथ्रा के अंदर और कंजेनाइटली ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना नेजोफेरिंग्स के अंदर। 26 का राइट आंसर दीजिए क्या होगा, 26 का, हाँ जी बोल रहे हैं ए ऑप्शन सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है कि सर ओरोफेरिंग्स क्या हो चुका है यहां पर ब्लॉक। और यहां पर ये आपके एम्स का क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर कॉर्नल अट्रेजिया, जब 2019 के अंदर एग्जाम हुई थी उसी के अंदर कॉर्नल अट्रेजिया के बारे में पूछा था। और राइट आंसर यहां पर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर कि कंजेनाइटली ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है किसके अंदर, नेजोफेरिंग्स के अंदर, जहां पर सांस जाने वाली लाइन थी वही ब्लॉकेज होगी, उसे बोला जाता है कॉर्नल अट्रेजिया। दिखाता हूं आपको किस तरीके से डायग्राम होता है, नॉर्मल पासेज की बात करूं कि आराम से यहां पर नेजल कैविटी होते हुए एयर क्या करती है, ट्रेवल करती है, लेकिन अब क्या हो चुका है यहां पर ब्लॉकेज आ चुका है कि बोन वहां पर ब्लॉक कर दी है, नेजल के पासेज को ब्लॉक कर दिया और इसे ही क्या बोला जाता है, कॉर्नल अट्रेजिया। क्या बोला जाता है, कॉर्नल अट्रेजिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर वहां पर क्या होगा, यदि नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट यदि कंजेनाइटली ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है तो वहां पर कॉर्नल अट्रेजिया बोला जाता है। एक डिजीज कंडीशन है, कैरेक्टराइज की गई है, एक्सेसिवली म्यूकस का कलेक्शन हो चुका है और एल्वोलाई का क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन और कोलैप्स हो चुकी है, क्या कोलैप्स हो चुकी है एल्वोलाई, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर अस्थमा की कंडीशन देखने को मिली, देन एटेलेक्टेसिस की कंडीशन, ब्रोंकाइएक्टेसिस की कंडीशन या लंग्स एब्सिस हमें देखने को मिला। तो 27 का राइट आंसर दे दीजिए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, अरे यदि क्या हो गया है एल्वोलाई का डिस्ट्रक्शन ही हो चुका है, मतलब एल्वोलाई कोलैप्स हो चुकी है तो उसे क्या बोला जाता है, एटेलेक्टेसिस बोला जाता है। अस्थमा एक तरीके की एलर्जिक कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडल लेयर ऑफ मेनिंजेज, कि मिडल लेयर जो होती है मेनिंजेज की वो कौन सी होती है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरेक्नोइड मैटर और कोरिड। देखिए आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं इधर डिनोट करते हुए चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कि ये हमारा क्या है, ये सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, स्कल होती है, खोपड़ी होती है, और डी ए पी याद रखना है कि सर आउटर टू इनर चलते हैं, ये वाला बाहर की तरफ कौन सा होता है, ड्यूरा मैटर होता है, ए का मतलब होता है अरेक्नोइड मैटर होता है, और अंदर की तरफ बात करूं तो पाया मैटर होता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि सर यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि यहां पर स्पेस कौन कौन सा होता है, याद क्या रखोगे कि यदि स्कल एंड किसके बीच में, ड्यूरा मैटर के बीच में यदि स्पेस पाया जाता है इसे बोला जाता है एपिड्यूरल स्पेस। क्या बोला जाता है, एपिड्यूरल स्पेस। लेकिन यदि किसके बीच में, ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नोइड मैटर के बीच में स्पेस पाया जाता है, सबड्यूरल स्पेस बोला जाता है। क्या, सबड्यूरल स्पेस। लेकिन यदि अरेक्नोइड एंड पाया मैटर के बीच में स्पेस पूछे तो उसे बोला जाता है सब अरेक्नोइड स्पेस। और आपका जो सीएसएफ होता है वो कहां पर फ्लो करता है, सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर फ्लो करता है। और मिडल लेयर के बारे में पूछा था कि मिडल लेयर डी ए पी के अंदर मिडल लेयर कौन सी होती है, अरेक्नोइड मैटर, इसलिए 28 का राइट आंसर यहां पर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, इसी तरीके से डायग्राम बना लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्या है, डायग्राम है कि सर बाहर की तरफ स्कल हो गया, देन यहां पर चले ड्यूरा मैटर, देन अरेक्नोइड मैटर, देन पाया मैटर, और लास्ट के नीचे क्या आता है, ब्रेन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है सपोर्टिव सेल्स कौन सी होती है नर्वस सिस्टम के अंदर। देखो सपोर्टिव सेल्स को क्या बोला जाता है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, न्यूरोग्लिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूरोग्लिया। हमारे यहां पर दो तरीके का सिस्टम होता है, एक होता है क्या सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, एक होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की बात करूंगा तो चार यहां पर सेल होती है, और पैरा सिंपैथेटिक के अंदर यदि मैं बात करूंगा तो कितनी होती है, दो सेल होती है। चलिए बताइए, फास्ट कमेंट कीजिएगा, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर चार टाइप की सेल कौन सी होती है, और पैरा सिंपैथेटिक के अंदर दो टाइप की सेल कौन सी होती है। चलिए फर्स्ट बात करते हैं, एस्ट्रोसाइट का नाम सुना होगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट का नाम सुना होगा। देखो इंपोर्टेंट है सारी, ठीक है। मैं पहले किसके बारे में बता रहा हूं, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के बारे में बता रहा हूं, सपोर्टिव सेल, देन एस्ट्रोसाइट होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है, देन नेक्स्ट कौन सी होती है, माइक्रोग्लिया होती है। कौन सी होती माइक्रोग्लिया होती है, देन सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर एक सेल कौन सी होती है, एपेंडाइमल सेल होती है। कौन सी? एपेंडाइमल सेल होती है। लेकिन मैं यदि मैं बात करूं पैरा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर दो सेल याद रखना, एक तो होती है सैटेलाइट सेल। कौन सी होती है? सैटेलाइट सेल। और एक आपने नाम सुना होगा स्वान सेल। क्या नाम सुना होगा? स्वान सेल। एस्ट्रोसाइट सेल की बात करूं तो ये स्टार शेप की होती है। क्या? स्टार शेप की हमें देखने को मिलती है। कौन सी? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर कौन सी होती है? एस्ट्रोसाइट होती है, जो स्टार यानी कि जो हमारा तारा होता है उसी तरीके की हमें देखने को मिलती है। क्या है? ऑसम। बिल्कुल ऑसम इज द बेहतरीन ट्रिक है। और स्टार शेप होती है, और एस्ट्रोसाइट जो होती है सबसे लार्जेस्ट क्या होती है, न्यूरोग्लियल सेल होती है। और सपोर्टिव सेल की बात करूं नर्वस सिस्टम के अंदर तो क्या बोला जाता है, सी इज द राइट आंसर, न्यूरोग्लिया, या जिसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्लियल सेल के नाम से जानते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट की बात करूं, यदि आपको माइलिनेशन करवाना है न्यूरॉन का, देखो क्वेश्चन पूछ सकता है माइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन, कि यदि न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट बनानी है तो कौन बनाती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। माइक्रोग्लिया की बात करूं तो यह फेगोसाइटोसिस का काम करती है। क्या? फेगोसाइटोसिस। और एपेंडाइमल सेल की बात करूं तो सीएसएफ क्या होता है, यहीं पर फ्लो होता है। और सैटेलाइट और स्वान सेल के अंदर बात करूं तो जो ये स्वान सेल होती है, आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि ये स्वान सेल सैटेलाइट सेल में माइलिनेशन का काम कौन सी सेल करती है, सैटेलाइट करती है या स्वान करती है? तो आप बोलोगे कि सर जो स्वान सेल होती है वो माइलिनेशन करती है किसके अंदर, पैरासिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर। क्वेश्चन पूछे ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिनेशन करती है न्यूरॉन का किसके अंदर, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर करती है। क्लियर है? यहां से दो से तीन क्वेश्चन बनते हैं, वो अपने को याद रखना है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम आर, कि ब्रेन स्टेम का पार्ट कौन सा होता है, कि सर मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, पॉन्स एंड मेडुला, मिड ब्रेन एंड मेडुला, पॉन्स सेरिबेलम एंड मेडुला, बताइए। बिल्कुल स्वान सेल जो होती है वो माइलिनेशन करती है किसके अंदर, पैरासिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर। चलिए बताइए राइट आंसर दीजिए 30 का, सिंपल क्वेश्चन है, और 30 का राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी बोल रहे हैं, हाँ जी बोल रहे हैं, ए ए आ रहा है कि सर मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ए इज द राइट आंसर, कि मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द राइट आंसर। तो 30 का राइट आंसर यहां पर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेस्पॉन्स करना है हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व, वेगस नर्व जो होती है टेंथ क्रेनियल नर्व होती है, जितने भी इंटरनल स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं उनको सप्लाई देने का काम करती है वेगस नर्व। और जब भी वेगस नर्व हाइपर स्टिमुलेट होती है तो क्या कोज करती है, स्केलेटल मसल्स का रिलैक्सेशन करती है, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन। पहले बाल तो स्मूथ मसल्स के ऊपर काम करती है तो स्केलेटल मसल्स तो क्या कर दी, यहीं पर कट कर दिया। नेक्स्ट क्या है आपके सामने, नेक्स्ट क्या है, टेकी अरिथमिया या ब्रेडी अरिथमिया, दो ऑप्शन आपके सामने है। अब राइट आंसर दीजिएगा क्या होगा।
चलिए राइट आंसर दीजिए बिल्कुल। और आप सभी को पता है कि जब भी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो ब्रेडी कार्डिया करती है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, डी। वो हर्ट रेट को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। ब्रेडी अरिथमिया बोला जाता है, क्या, ब्रेडी अरिथमिया। टोटल पेयर्स कितने होते हैं क्रेनियल नर्व के, कि हमारे यहां पर क्रेनियल नर्व के टोटल पेयर्स कितने देखने को मिलते हैं, कि सर 122, 20, 12 या 40, कितने होते हैं क्रेनियल नर्व बताइए। राइट आंसर दीजिएगा क्या होगा। क्लास ओनली और ओनली लाइव रहेगी, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है तो कैसे देखेगा। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, और करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, 12 होती है। राइट आंसर क्या होगा, सी। अरे ट्रिक से याद रखो लो, या आप क्या कर रखो, O3T2 अपवगवा, ठीक है, क्या याद रखोगे, O3T2 अपवगवा, BAH, ठीक है। फर्स्ट होती है ऑल्फैक्ट्री ऑप्टिक ऑक्यूलोमोटर, देन फोर्थ होती है ट्रोक्लियर, फिफ्थ होती है ट्राइजेमिनल एब्डुसेंस, सेवंथ होती है फेशियल वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, एट नंबर की ग्लोसो या हाइपोग्लोसो फेरिंजियल जो नर्व होती है वो, क्या, नाइन्थ नंबर की, टेन नंबर की वेगस नर्व होती है, स्पाइनल एसेसरीज, और लास्ट के अंदर क्या है, ट्वेल्थ की क्या होगी, हाइपोग्लोसल नर्व। तो आपको किस तरीके से, किसे 12 पेयर के अंदर क्या देखने को मिलती है, क्रेनियल नर्व हमें देखने को मिलती है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट, वेटर टिप पोजिशन जो होती है कहां पर देखने को मिलती है, फास्ट कमेंट कीजिएगा, वेटर टिप पोजिशन हमें कहां पर देखने को मिलती है बताइए, कि बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, देन ऑप्शन आपके सामने है, आप बिल्कुल आपकी तरफ से किसी भी तरीके से ट्रिक बना सकते हो, वो आप पर डिपेंड है, देन अर्ब पाल्सी या कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ द इफ। अरे ये कंजेनाइटल डिसलोकेशन DDH नाम सुना होगा, ठीक है, कंजेनाइटली यदि क्या हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट हो चुका है आपके हिप का, उसे बोला जाता है DDH, ठीक है, कंजेनाइटली देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अब इस पाल्सी के नाम से जानते हैं, सी इज द राइट आंसर, कि इस इसके अंदर क्या हो जाता है, बच्चे के जो टिप्स क्या है, अरे वेटर क्या करता है, पीछे से हाथ से क्या लेता है, टिप्स लेता है, एक तरफ तो हेल्थी आर्म है जिसे अर्ब ड्यूकान पाल्सी बोलते हैं, और ये अनहेल्थी आर्म है, और वहां पर रिस्ट वाला पार्ट क्या हो गया, वेटर टिप की पीछे की तरफ से क्या दे दो, हमें टिप दे दो, तो वेटर टिप पोजीशन कहां पर आती है, अब पाल्सी के अंदर देखने को मिलती है, कहां पर, अर्ब पाल्सी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉल्ड गेटवे ऑफ द पेन अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ पेन सेशन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि गेटवे ऑफ द पेन, गेटवे का मतलब है कि पेन को पकड़ना और कहां तक पहुंचाना, ब्रेन तक पहुंचाना, उसको सेंसेशन को लेकर जाना, प्रिंसिपल को पेन का सेंसेशन लेके जाना, कौन लेके जाता है, स्पाइनल कॉर्ड लेके जाता है, ब्रेन स्टेम लेके जाता है, हाइपोथैलेमस या क्रेनियल नर्व, कौन लेके जाता है, फास्ट कमेंट कीजिएगा बताइए, राइट आंसर दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। आप सभी को पता है स्पाइनल कॉर्ड 45 सेंटीमीटर का होता है, लेंथ की बात करूं तो 45 सेंटीमीटर स्पाइनल कॉर्ड की होती है, और राइट आंसर यहां पर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, कि स्पाइनल कॉर्ड ही जो होता है जितने भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, और गेटवे पेन का सेंसेशन लेके जा रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट, एक को छोड़कर सभी न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन कौन से, देखिए यहां पर तीन तरीके के हम न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ते हैं, क्या, तीन तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ते हैं, कि सर एक तो होता है एक्साइटेटरी, कि सर एक तो बढ़ा देता है, एक होता है इनहिबिटरी कि कम कर देता है एक्साइटेटमेंट को, और एक होता है मिक्स्ड, एक क्या होता है मिक्स। एक्साइटेटरी की यदि मैं बात करूं तो आपने ट्रिक से याद रखना है, गाना है, क्या गाना है सर, क्या है, गाना है, GANAH। चलिए फास्ट कमेंट कीजिएगा, जी का मतलब क्या होता है, फास्ट कमेंट कीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर। राइट आंसर तो क्या होगा, ट्रोपोनिन जो होता है वो कार्डियक मार्कर है, क्या है, अरे ट्रोपोनिन जो होता है वो तो कार्डियक मार्कर होता है, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि कार्डियक मार्कर होता है ट्रोपोनिन। मैं यहां पर एक्साइटेटरी की बात कर रहा हूं, तो आपने नाम सुना होगा जी का मतलब क्या है, ग्लूटामेट, कि ग्लूटामेट क्या होता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, कहां पर, हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है। चलिए ए का मतलब क्या होता है, एस्पार्टेट, क्या होता है, एक का मतलब क्या होता है, एस्पार्टेट,
एन का मतलब बता दीजिए, एन का मतलब क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, एन कौन दे रहा है कार्डिक मार्कर, बिल्कुल यहां पर क्या है एन नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है एक्साइटेटरी होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एसिटाइल कोलीन, क्या एसिटाइल कोलीन भी क्या होता है एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होता है हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट होता है हिस्टामीन, क्या जो हिस्टामीन होता है वो भी क्या होता है न्यूरो ट्रांसमीटर होता है एक्साइटेटरी का, क्लियर है बोलो हाँ हाँ जी बिल्कुल। ग्लूटामेट इन मेमोरी, बिल्कुल मेमोरी के अंदर काम आता है। इनहिबिटरी की बात करूं तो भैया गाबा का नाम सुना होगा, अरे कौन सा गाबा, गाबा का नाम सुना होगा, देन गामा माइनो बेंजोइक एसिड होता है। इनहिबिटरी के अंदर कौन सा आता है डोपामीन, कौन सा आता है डोपामीन आता है। मिक्स के अंदर दो आते हैं एडीआर और नॉन एडीआर, जो एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन होता है वो मिक्स होता है। और इनहिबिटरी की यदि मैं बात करूं, अरे आपका गाबा होता है डोपामीन और 5HT, मतलब 5HT मतलब डिप्रेशन के अंदर सेरोटोनिन जो होता है वो कम हो जाता है, सभी को पता है सॉरी सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। तो 5HT को किस नाम से जानते हैं, सेरोटोनिन के नाम से जाना था, हाइड्रोक्सिल ट्रिप्टामाइन, क्या HT का मतलब है हाइड्रोक्सिल ट्रिप्टामाइन के नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्सिल ट्रिप्टामाइन के नाम से जानते हैं। तो ये सब क्या होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मत बोलना कि सर मिटा दिया, क्या कर दिया मिटा दिया, क्लियर है। चलिए जी, तो यहां पर हमने क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। जब तक जीना है तब तक क्या करना है आपको सीखना होगा, अनुभव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल सेरोटोनिन इंक्रीज हो जाता है कब, यदि कोई डिप्रेशन का पेशेंट है तो, क्लियर है। 5HT जिसे हम सेरोटोनिन भी बोला जाता है, क्लियर है। चलिए एनी किसी को कोई डाउट, कल वापस से सेम टाइम वही क्लास होगी, गजब के सवाल के साथ थर्ड क्लास होगी, क्रैश कोर्स 15 दिन केवल और केवल लाइव रहेगी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल वापस से।